अंतरिम सरकार 1946 में 1946 को वायसराय लॉर्ड वेवेन ने योजना के अनुसार अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने केंद्र में अंतरिम सरकार गठित करने का निमंत्रण कांग्रेस को भेजा। कांग्रेस द्वारा सरकार में शामिल होने के बाद मुस्लिम लीग ने भी 15 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल होने का फैसला लिया। वस्तुतः लीग द्वारा सरकार में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य सरकार के कार्यों में बाधा डालकर उसे असफल करना था। लीग ने आई आई चुदरीगर, अब्दुल खाम फिस्तार, लियाकत ओली अली, जोगेंद्रनाथ मंडल को अंतरिम सरकार में सम्मिलित करने के प्रस्ताव दिया। अंतरिम सरकार के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश विभाग, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण बलदेव सिंह, रक्षा डॉक्टर जॉन, उद्योग एवं आपूर्ति सी राज गोपालाचारी, शिक्षा सी एच भाभा, कार्य खनन एवं शक्ति राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि आसफ अली, रेलवे जगजीवन राम, श्रम लियाकत अली, वित्त टी टी चुंद्रीगर, वाणिज्य अब्दुल रब नस्तर, संचार गजानफर अली खान, स्वास्थ्य जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि।